आसान नहीं है कुछ भी दुनिया में, बस खुद पे विश्वास जरूरी है और फिर आपको जो चाहिए वो तो मिल ही जाता है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविवार के दिन में सुबह सुबह से तैयार हो गया, मतलब कुछ तो खास होगा। खास ये है कि वो दोस्त, जो सीक्रेट दोस्त जिसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी आज शुरू हो रही है, उसकी हल्दी है आज। और वो दोस्त कौन है ये आपको वहाँ पहुँच के ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक इतना जो सीक्रेट बनाए हैं तो तब भी बना रहना चाहिए। वहाँ चलते हैं, सरनी आ गया है, वेट कर रहा है मेरा, बाकी सारे लोग भी आ रहे हैं, सबसे मिलाऊंगा आप लोगों को और मज़े करने हैं। बढ़िया, सुबह सुबह से नींद नहीं खुल रही थी, बहुत दिक्कत से नींद खुली है। चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये सरनी भाई साहब आ गए, ये भी वाइट कुर्ता ही पहना है। 16 हो गए, हम लोग 11 बजे से पहुंच गए, 11 बजे का वक्त निर्धारित था और ये हम लोग पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई और नहीं पहुंचा है। और अभी हम लोग जस्ट कॉल किए तो पता चला कि 10-15 मिनट अभी और लगेगा यहाँ पहुंचने में। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों कुछ नहीं खाए सुबह से और भूख लगी है मस्त। और ये वाइट हम लोग ऐसे पहन तो लिए हैं, लेकिन अभी हल्दी है, अभी ये येलो हो जाएगा अभी, मतलब। अच्छा, तेरे पास तो पग नहीं बोल रहा था, तू येलो पहना तो है। अब तो उसको येलो बोले, ऑरेंज बोले, ये हाँ बीच का है और एकदम ऑरेंज भी नहीं है और एकदम वो भी आज नहीं। के लिए येलो लड़कियों है, के लिए इसके पास इसका भी कोई कलर होगा, मस्टर्ड कुछ तो होगा। आज येलो है, किसी और दिन ऑरेंज हो जाएगा, किसी दिन रेड हो जाएगा। ठीक बात है, चल कुछ खा के आते हैं भाई, भूख लग रही है। पहले सोचे इंडियन कॉफी हाउस चलते हैं, बट फिर सरनी का मन था पोहा खाने का, तो ये कटोरा तालाब चौक पे जस्ट पोहा पॉइंट है, वहाँ हम लोग पोहा खाने। हम लोग जाके खा के वापस भी आ गए, अभी तक कोई नहीं आया है, सबके कॉल ही आ रहे हैं, भाई कहाँ पहुँचे, भाई कहाँ हो, आ कोई नहीं रहे, सब बातें ही कर रहे हैं अभी तक। इधर फंक्शन शुरू हो गया, लेकिन सिर्फ जो येलो पहन के आए वही जा सकते हैं, बाकी सारे हम गरीब सफ़ेद वाले इधर हैं, सब सफ़ेद कार्ड। ये तो होली में आया है ये, हम लोग सारे जो वाइट नहीं है वो सारे इधर अलग से खड़े हैं। अब बताने का कौन से दोस्त की शादी हो रही है, किसकी हो रही है? ये इतने दिनों से बोल रही है किसी एक दोस्त की शादी होने वाली है, मैं बताती हूँ किसकी, स्पेशल फ्रेंड की, और वो ये खुद ही है। हल्दी खेलने का मन हमारा है नहीं, लेकिन ये आदमी जो है ना ये फंसाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। भगते हैं अपन, भगते हैं, चल। जिस बात का डर था वो हो चुका है पूरी तरीके से, हम लोग हल्दी हल्दी हो चुके हैं और इधर ये लोग भी, हम लोग सब सोच के आए थे नहीं खेलेंगे हल्दी, लेकिन ये भी बगी बहुत। अभी कुछ लोग बचे हैं घर जाके लगाने वाले, जिनको लगाना तो है कैसे भी, बस यही सब करने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ था जो तू कर रही है ना अभी। ये झूठा नहीं लग रहा है इसको, ये सब फोटो खिंचवाने के लिए इतना नाटक कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि वीडियो बन रहा है, फोटो नहीं है। वापस से इंडिया की बैटिंग ही चल रही है और हम लोग यहाँ खाना खाने बैठे हैं, यहाँ सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम लोग मैच भी देख रहे हैं साथ में। क्या आई एम सो हैप्पी, अलग ही लग रही है भाई अभी तो। ये जगह में हम जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो बहुत मैं आता था जब 9th क्लास में, तो अब मेरे को लग रहा है इस लाइफ टाइम का लास्ट बार यहाँ पे मिल रहा हूँ मैं तेरे से। क्यों भाई, तू ऐसे शादी वादी करके आएगी वापस तो थोड़ी ना, फिर भी मतलब ऐसे वो बोलने की बात है, ये ऑन कैमरा देख लेना तू, वही तो बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम ही ऐसे यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। बाहर मिलेंगे ऑफ कोर्स, बट यहाँ वाला जो अपना इतना, हाँ इसका पता है। अभी तो बहुत सारे बैचलर्स वैचलर्स होने वाले, तो इसकी शादी हो जाएगी तो ये तो आ नहीं पाएगी, तो बैचलर थोड़ी रहेगी। चल मिलते हैं कल फिर, बाय बाय। बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं किसी संडे को घर पे हूँ आराम से, हल्दी से आने के बाद वापस मैं अपना नहा भा के आराम से लेट गया, मैच देखा इंडिया का। इंडिया का मैच देखते देखते मैं कब सोया मेरे को पता भी नहीं चला, मतलब क्योंकि पता था कि ऑफकोर्स हम जीत ही जाएंगे। कब मैं सोया, मैच चल ही रहा था मैं सो गया, उसके बाद उठा, ये नहाने के बाद भी ये हल्का हल्का पीला पीला लग गया कपड़े में, तो अभी पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी खड़ी है रश्मि के घर में और रश्मि की कार खड़ी है ऑफिस में। मैं आया था सरनी के साथ में, सरनी बोल रहा था कि उसको पार्ट में लेके जाना है आंटी को, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा कह रहा हूँ मैं, कल गुरु नानक जयंती है, तो उसकी वजह से पार्ट जो है ना वो चलता है, 3 दिन चलेगा मेरे ख्याल से, आज से चालू हुआ है तो कल नहीं है परसों है मंगलवार को, तो इस वजह से वो शायद निकल नहीं पाएगा अभी, तो पता नहीं मैं घर पर ही रहूँगा, निकलूँगा क्या है सीन, अभी तक कुछ पता नहीं,
बट बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं संडे की शाम को घर पे आराम से बैठा हूँ, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। शादी का सीज़न अभी आ गया है तो उसके लिए जिसमें से दो पहले के हैं, तीन ये जो आए हैं ना ये अभी अभी आए हैं, दो जूते हैं और एक चप्पल है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था ये लेना है लेना है लेना है और फाइनली मैं ले पाया। तो मेरे क्योंकि जो पुराने चप्पल थे ना, जैसे आज भी जो मैं पहन के गया था वो ख़राब से हो गए थे, तो ये मोची के बहुत कम्फर्टेबल होते हैं, तो ये एक मंगा लिया था मैं। काफ़ी सही है ये, पहनने में भी कम्फर्टेबल है और ऐसे ऑथेंटिक जो वो होते हैं ना उनके ऊपर अच्छा लगता है। और ये दोनों भी ट्रेडिशनल कपड़ों के हिसाब से ही मंगाया है मैंने। दिखाऊं क्या? तो ये जो है ये इस टाइप का है, ये अच्छा सुंदर है, कम्फर्टेबल है और सेम इसी का रेड कलर दूसरा वाला है, तो दो दो दिखाने का पॉइंट नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं ऑर्डर वगैरह करते रहता हूँ, चीज़ें आती रहती हैं, बट मैं अभी तक वो अनबॉक्सिंग वाले कल्चर से, अनबॉक्सिंग वाले उससे ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ कि जो चीज़ आ रही है वो दिखाऊँ आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ऐसा देखना होगा। वैसे अब तो पता नहीं मैं कुछ मंगाने वाला हूँ नहीं मंगाने वाला हूँ, लेकिन सेल में भी जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, कुछ कुछ कपड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ कि ये भी आया है ये भी आया है ये भी आया है, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है वो मेरे को। तो वो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे से जो भी चीज़ ऐसे अगर कुछ मंगाऊंगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये चीज़ आई है ये चीज़ नहीं आई। बाकी ऐसे ऐसा अभी तक मेरा मन नहीं करता था तो इसलिए मैं नहीं दिखाता था, बाकी आप लोगों की जैसी आज्ञा होगी उस चीज़ का फॉलो करेंगे। ज़ोरदार लगी भूख, सर ने बोला था 6 बजे के आसपास की 7:15 तक आता हूँ, समय 7:30 हो गया, अभी वो शायद निकल रहा है घर से, तो बस कहीं तो जाएंगे। भूख लगी है क्योंकि बहुत ज़ोरों की, और एक दिन ठंड जो इतनी तेज़ पड़ी थी रायपुर में उसके बाद से ठंड गायब हो गई है। ये फिर भी इसलिए क्योंकि सर्दी वर्दी है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है सेफ्टी के लिए, बस बाकी ऐसा तो ऐसा है नहीं कुछ ठंड। तो ये मेरे को 6 बजे बोला कि आ रहा हूँ 7:15 तक। हाँ बोल बोल, 7:15 बोला था बोल। हाँ 6:30 बजे बात हुई थी। हाँ और तू आया कितने बजे? 15 मिनट ऊपर हुआ। 15 मिनट कहाँ ऊपर हुआ भाई, 8 बज रहा है। 8 घर से आने में 20 मिनट थोड़ी लगता है साले। हम लोग आए यहाँ पे सैंडविच और वो खाने के लिए, दाबेली बहुत अच्छी बनती है। ये है अपना बूढ़ा तालाब और ये उसके ठीक सामने है, बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ पे। सैंडविच खा लेने के बाद हम लोग आए चाय पीने। अभी यहाँ पे एक नई चाय जो है जिंजर लेमन हनी टी मेरी नई फेवरेट है, तो वही पीते हैं हम लोग। जे जे और नेहा भी आए हैं, वो लोग उधर चले गए, मिलाता हूँ उन लोग से। अरे दुग्गल साहब क्या बने हैं आज, खिलाड़ी? तो हम लोग यहाँ अंदर बहुत कम आए हैं, बहुत ज़्यादा आए नहीं है। नेहा भी है इधर और ये जगह देख के थोड़ा सा कुछ खेलने कूदने का मन किया था, हम लोग इधर आ गए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यास स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास मेरी गाड़ी थी नहीं, और मेरी गाड़ी जो रश्मि के घर पर खड़ी थी और रश्मि की कार यहाँ ऑफिस में खड़ी थी पीछे, तो मैं इसलिए रैपिडो से आया और टाइम लग गया उस वजह से आने में। एक्चुअली ये भी एक दिक्कत हो गई कि मैं बहुत रात तक लेट को नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं वो देखना शुरू कर दिया मिसमैच्ड का सेकंड सीज़न, और फिर एक बार चालू कर दो तो ख़त्म करने का ही मन करता है, तो फिर वो पूरा देख लिया। देखते देखते 4:30 बज गया 4:45, तो मैं उठने में भी थोड़ा लेट हो गया। बस ऑफिस आ गए, शाम को शादी है, शाम को निकाह में जाना है, उससे पहले अभी जो जो चीज़ें निपटाई जा सकती हैं उन्हें निपटा लेते हैं, चलते हैं ऑफिस। ऑफिस से निकल के जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल एक मीटिंग के लिए, और जो काम पेंडिंग है वो का सारे काम भी चल रहे हैं, चलते हैं मीटिंग निपटाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ऑफिस से निकलती मैं सबसे पहले गया रश्मि के घर, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी उठाने के बाद मैं पैक कराया गिफ्ट जो देना था, और उसके बाद फिर वापस घर आया। घर आने के बाद मैं अभी चेंज किया, और जस्ट चेंज करके सब ब्लैक कुर्ता पजामा पहन रहे, तो कुर्ता पजामा निकाला, ब्लैक कुर्ता पजामा मेरे पास एक्चुअली 2-3 है, तो उसमें से छाँटा, फिर सोचा कि क्या पहनूँ, ऊपर कुछ पहनूँ नहीं पहनूँ, फाइनली एक मफलर जो है वो रखा मैं इसके ऊपर, फाइनल किया हूँ, तो वो एंड में लगा के दिखाता हूँ। अभी सर नहीं आएगा थोड़ी देर में, वो पग पहन रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो बस उसका इंतज़ार है। फिर उसके बाद ये वापस हो गया यार, पता नहीं कुछ तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लग रहा है, यहीं होता है बस, क्या दिक्कत है भगवान जाने। तो ऑल सेट, हम हो गए पूरे तैयार जाने को। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि ये जो नेहरू जैकेट्स हैं ये पहन लूँ, ये इसके साथ बहुत बढ़िया भी दिखता, बट ज़्यादा ही अच्छा भी नहीं दिखना, ये भी दिक्कत है, ठीक ठाक ही दिखो यही सही रहता है। सरनी सर जो है 6:30 बजे आने वाले थे, 6:30 बजे में और ये आया है भाई, डिसाइड हो गया था ना जल्दी जाना है, और हम लोग डिसाइड का क्या मतलब होता है, 7:15 तो तू मैसेजेस ही नहीं देखेगा तो क्या बोल सकता। काम से घर आया 6 बजे, देखा मैं
तेरा कॉल आ गया तब तक तो तू 45 मिनट भी बोल के मेरे को लगाया तो सवा घंटा एक घंटा लगा ना अभी आना जाना में भी टाइम नहीं लगता लेके बाजू में के घर घर पे तो था तू हाँ तो फिर इतना बाजू में था आ जाता पैदल तो तू बोला नहीं मेरे को मैं आ जाता भाई मैं 15 मिनट से एक गली इधर आने बोल दिया 15 मिनट से मैं 15 मिनट से मैं इधर उधर इधर वहीं पैदल चल रहा था मैं 15 मिनट से इसीलिए मेरा एक गली इधर आने बोल दिया तो तेरी सुलग गई मैं घर आने बोल दिया पैदल तो बस हो गया चिड़चिड़ इसलिए किया क्योंकि मैं इतने देर से पैदल ही घूम रहा था वहीं पे तो पहले बोल देता मेरे को तो मैं उधर आगे तक आ जाता भले साले फूल लेने आए हैं सारे फूल सब हम लोग तीन पहने काला 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 ये मैं ये परिवार का मुखिया लग रहा है फूफा लग रहा है तो फूफा और ये फूफा पार्ट टू दो फूफा है आज हमारे साथ फूल यहाँ पे वो लेने आए बुके तो इधर वैभव बुरू सरनी अन्नी मैं बैठा हूँ और उधर सारी महिलाएं बैठी है हमारी और हम लोग आए हैं ये क्या नाम है कैफे जुनून आए हम लोग पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे काफी दिनों से आना था मिसल पाव खाऊंगा मैं मस्त चांदा फाइनली हम लोग जो हैं 6:30 बजे के आने वाले अभी 8:30 बजे पहुंचे हैं लोकेशन पे और अभी पता नहीं अंदर क्या सीन है कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा है शादी उसने खुद बोला हाँ जिसकी शादी है उसी ने बोला था कि मैं 8:30 बजे आऊंगी तो हम लोग अभी पहुंचे क्या परफेक्ट टाइमिंग बोलते हैं इसको हम लोग पहुंचे और मशीन आई है जस्ट अभी है यहाँ पे जब बड़ी बहन का यहाँ पे शूट चल रहा हो तो छोटा भाई कैसे दर्द में करा रहा होता है क्या बोलना चाहेगा बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है जैसे खड़ा हूँ मैं आगे बढ़े नहीं है अब बढ़ रहे फाइनली तो यहाँ एंट्री शुरू हो गई और अपने आधे लोग अभी तक पहुँचे भी नहीं है तो शूट वूट चल रहा है तो थोड़ा स्लो है इस वजह से मेरे को लगता है पहुँच जाएंगे बट आधे आए नहीं है ये लोग सारे इधर बैठ के क्या प्लानिंग कर रहे हो भाई अच्छा यहाँ लाइट है यहाँ अच्छी नहीं आएगी फोटो बहुत नहीं आएगी सुनना बाद में तो तू व्लॉग में आ पाएगी नहीं आ पाएगी पता नहीं अभी तो आ जा कैसा लग रहा है थोड़ा बता दे एक्साइटेड हूँ मैं ही हूँ स्पेशल दोस्त नौशीन से जाके मिल लिए हम लोग असलम से अभी मिल नहीं पाए हम लोग गए थे मिलने मैं सरनी बट वहाँ पे शायद असलम खाना खाने गया हुआ है अभी असलम से नहीं तो आप लोगों को भी मिलाने का प्लान तो था पूरा पूरा बट अभी शायद उस चीज़ में टाइम लगेगा थोड़ा तो इस वजह से अभी पता नहीं श्योर नहीं हूँ मैं कि हम जा रहे हैं कि रुक रहे हैं क्योंकि टाइम अभी लगने वाला है यहाँ पे 1-1.5 घंटा और ऑलरेडी 11:30 बज गए तो नौशीन से मिल लिए और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होती है तो थोड़ा ऐसे मिक्स एंड मैच वाला था तो इस वजह से अभी तक साथ में जो होके प्रोसेस होता है ना रिसेप्शन वाला वो नहीं शुरू हुआ है अभी वो शुरू होने वाला है तो अगर रुकेंगे तो आप लोगों को मिलाएंगे असलम से नहीं तो फिर अगली बार मिलाएंगे हम लोग सब आराम से बैठे हैं बाहर क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वो होने वाला है यहाँ आराम से बैठ के सब अपना अपना कुछ कुछ चले गए सरनी जा रहा है अभी वो सरनी है पूरू को छोड़ने जा रहा है पायल को छोड़ने जा रहा है फिर उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे तो हमारी खास फ्रेंड जिसकी शादी थी फाइनली आप उनसे तो मिल चुके हैं आप लोग असलम भाई से आप लोग नहीं मिले तो असलम भाई से कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच अब आपकी जिम्मेदारी है हमारी जो दोस्त है इसको संभाल के रखने की तो ओवर टू यू ये है चोपू जी ये है विनायक जी सामने वैभव सरनी हम लोग आ गए दिया कैफे वहाँ मिल लिए उसके बाद निकल के हम लोग आ गए ये लोग पहले ही निकल गए थे दोनों मिल नहीं पाए ये लोग इसलिए नौशीन से वापस हम लोग और हमारे जो बाकी के लोग हैं ये लोग पहले ही पहुंच गए थे यहाँ तो अभी बीनू बोल रहा है कि जस्ट पीछे हम लोग एक बैल को अभी क्रॉस करके आ रहे हैं हुआ ये कि हम लोग दिया में बैठे थे काफ़ी लेट हो गया था 3 बज रहा है अभी और 2:30 बज रहा है सॉरी 3 नहीं बज रहा अभी तक 2:30 बज रहा है और सरनी को जाना था जल्दी क्योंकि कल है वो प्रकाश दिवस हाँ और गुरु नानक जयंती है कल तो उसको जल्दी निकलना था क्योंकि सुबह सुबह से उसको जाके चीज़ें करनी थी काम वगैरह था तो वो निकल गया तो हम लोग पास कार तो एक ही थी तो इसीलिए वैभव गया है एक आधे लोगों को ड्रॉप करने के लिए और जो बचे हम हैं हम लोग सोचे कि वेट करके क्या ही करेंगे पैदल चलते हैं तो हम लोग पैदल चलना शुरू किए और हम लोग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं तो अपने आप में मज़ेदार एक्सपीरियंस है रात के 2:30 बजे से तो VIP रोड में कभी जिंदगी में पैदल नहीं चल वैभव का कॉल आ गया था इस वजह से बीच में रह गया तो ऐसे तो हम लोग VIP रोड में कभी चलने से रहे आज हम लोग अच्छा खासा वॉक कर लिए मॉर्निंग वॉक ही हो गया एक वे में 3 क्योंकि सुबह के 3 तो बज ही गए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भूत प्रेत से लेके टेक इंडस्ट्री की बातें
हैं, बिनू की एक से एक बातें हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस अभी वैभव पहुँच ही रहा है, उसी का कॉल था, फिर हम लोग निकल जाएंगे।